चलिए गुड आफ्टरनून। जैसा कि पिछले क्लास आपको बताया गया था कि आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नया टॉपिक में हम लोग आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है इसमें ये लगभग लगभग ट्रिग्नोमेट्री जैसा मैच करता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला लगभग याद रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो आप इस चैप्टर में फंसेंगे। प्रिया जी प्रणाम, सर सबको प्रणाम और गुड आफ्टरनून। करण जी सबको गुड आफ्टरनून। नवीन प्रणाम। तो आज हम लोग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और याद होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला के लिए आपको एक नोट्स दिया गया था जो हम लोग रेगुलर क्लास में किए थे। ऐसे भी अगर जिनके पास नहीं है तो वो आप 11th का बुक निकालिए और सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला था आप कॉपी में लिख लीजिए, या ये आपके लिए बेटर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लटकेंगे। आपसे क्वेश्चन धीरे धीरे बनेगा, बहुत स्लो स्लो बनेगा, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और देखते हैं पीडीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैं लिंक भेज दूंगा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का, तो आप याद कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ऐसे भी बोलें कि इनवर्स जो होता है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। हाँ, कुछ कमेंट आ रहा है, सर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखा दीजिएगा। हाँ, जब भी सवाल रहेगा तो मैं लिखा दूंगा, और जो जरूरत रहेगा, नहीं तो अगर आपको लग रहा है बहुत फास्ट करना तो आप 11th का बुक निकालिए ना, आपको सब दिखेगा। चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते, ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब बात आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको थोड़ा फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, हाँ ज्यादा मैं डीप अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगा, अगर फंक्शन को डीपली पढ़ना है तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास कभी अरेंज कर दूंगा। अभी फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसी से आपको समझ में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। इनवर्स से पहले हम लोग ध्यान रखिएगा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ये जो फंक्शन वर्ड है ना कहीं पीछा छोड़ेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है रियलिटी उसके बारे में, वो बोलता क्या है। अगर वो आप समझ जाएंगे तो इनवर्स आपको लगेगा चुटके हैं ये तो बहुत आसान है, अगर मैं फॉर्मूला सिर्फ लिखा दूंगा तो आप सवाल बना लेंगे। लेकिन हमको, मेरा मकसद है कि आप बहुत अच्छे से समझें, कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बेसिक समझते हैं। चलिए आपका आता फंक्शन, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3,
एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अगर फंक्शन नहीं समझते हैं तो उसको वाई एफ एक्स को वाई समझिए, वाई का वैल्यू टू एक्स प्लस थ्री है। बस फंक्शन का डेफिनेशन थोड़ा बुक के हिसाब से लिखने का कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए दो सेट है, सेट मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट, आप इसको दो दो घर समझ सकते हैं, एक और दूसरा, दूसरा सेट इसको हम मान लीजिए नाम दे दिए ए और इसको नाम दे दिए बी, एक का नाम दिए ए और एक का नाम दिए बी। अब क्या कर रहे हैं, ए को हम लोग इनपुट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इनपुट, और उसके अकॉर्डिंग जो निकल रहा है बी को हम लोग आउटपुट बोल रहे हैं, आउटपुट। तो चलिए अब इनपुट में कुछ वैल्यू रख रहे हैं, अब ए में आप अपने मर्जी से इनपुट में एक्स का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको आप ये भी समझ सकते हैं इनपुट, हम लोग एक्स को इनपुट बोलते हैं तो इसको आप एक्स भी समझ सकते हैं, जो आउटपुट आएगा उसको एफ एक्स समझिए या वाई समझिए, फिलहाल हम लोग एफ एक्स लिख देते हैं। बहुत सारा नाम लिख रहे हैं, एक्स को इनपुट बोले उसके लिए जो मान आया उसको आउटपुट बोल दिए। चलिए अब अपने मन से कुछ भी वैल्यू सोचते हैं एक्स का, आपका मन करे 1000, 2000, 10000, जो मन करे -3/2, -5/2, -900, आपको जो सोचना मन करे सोच लीजिए। तो अभी हमको ज्यादा तो कैलकुलेशन करना नहीं है, समझना है, इसीलिए ज्यादा बड़ा बड़ा वैल्यू नहीं, छोटा छोटा वैल्यू लिख रहे हैं। चलिए एक्स का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो x अगर इनपुट 1 रखेंगे तो 1 रखने के लिए एफ एक्स का मान कितना आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बोलिए। चलिए x का वैल्यू 1 रखेंगे, जल्दी जल्दी बताइए y का वैल्यू कितना मिलेगा, 5। बहुत अच्छे, x 1 इंटू 2, 2 प्लस 3 तो 5, बहुत अच्छे। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 2 दूना 4 और 3 7, आपका 7 मिल जाएगा। और 2-3 रखते हैं, एक्स का वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 3 2 6 और 3 9 मिल जा रहा है। एक्स का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 4 2 8 3 11 मिल जा रहा है। एक्स का वैल्यू 5 रख रहे हैं तो देखिए क्या मिल रहा है, तो 5 2 10 और 3 13 मिल रहा है। तो हम ऐसे ही छोटा एग्जाम्पल लिए एफ एक्स। अब बहुत सारा नाम है, क्या क्या नाम है तो इसको समझते हैं। तो आप क्या दिए कि जो इनपुट का नाम दिए उसको ए लिख दिए, जो आउटपुट है उसका नाम बी दिए, इनपुट को आप एक्स बोले और आउटपुट को एफ एक्स बोले। अब बहुत सारा नाम होता है जिसको आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा नाम क्या क्या लिख रहे हैं। आप इसमें क्या किए, इनपुट में एक्स डाले तो आउटपुट में आपका जो निकला वो एफ एक्स निकला, इनपुट में आप क्या डाले एक्स तो निकला एफ एक्स, ये जो डालने वाला इनपुट है वो एक्स और आउट निकलने वाला जो है आउटपुट वो क्या है एफ एक्स है। अब जो इनपुट है उसका बहुत सारा नाम है तो नाम लिखते हैं, जो इनपुट है, इनपुट माने एक्स का मान, तो इनपुट को हम लोग बहुत सारा नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं डोमेन, क्या देते हैं डोमेन, नाम आपको याद रखना है। जो आउटपुट है उसका हम लोग नाम देते हैं कोडोमेन, क्या नाम देते हैं कोडोमेन। इनपुट माने एक्स, एक्स को हम लोग डोमेन बोले और आउटपुट को हम लोग कोडोमेन बोले। एक कमेंट में आया कि रेंज, हाँ रेंज और कोडोमेन में बेसिक डिफरेंस होता है, फिलहाल आज हम उसको बारे में नहीं बताएंगे, आप कोडोमेन को रेंज समझ सकते हैं। इनपुट को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसको इमेज भी बोलते हैं, आउटपुट को इसको प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है, और आपको इसको रेंज भी बोल सकते हैं। आप इसको फिलहाल ब्रैकेट में लिख दिए रेंज,
रेंज और कोडोमेन में बेसिक डिफरेंस होता है, जिसको आपको बाद में समझाएगा, बहुत छोटा डिफरेंस होता है। फिलहाल आप कोडोमेन और रेंज को इक्वल समझ सकते हैं फिलहाल। तो देखें कि एफ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसका डेफिनेशन दे रहे हैं फंक्शन का। क्या डेफिनेशन दे रहे हैं कि एफ जो होता है एक नियम होता है। क्या होता है? एक नियम होता है जो ए को बी बनाता है। देखिए सच में ए को बी बना रहा है या नहीं बना रहा है। एफ एक नियम होता है जो ए को क्या बना रहा है, बी को बना रहा है। एफ इज ए रूल जो विच मेक्स ए टू बी, जो ए को बी बना रहा है। ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन, और यही डेफिनेशन लिख रहे हैं। एफ एक नियम होता है जो ए को बी बनाता है, या एक्स को एफ एक्स बनाता है, या डोमेन को कोडोमेन में कन्वर्ट करता है, या ऑब्जेक्ट को इमेज में कन्वर्ट करता है, या प्री इमेज को इमेज में बनाता है। तो हम लोग डेफिनेशन देते हैं, एफ एक नियम होता है जो सेट ए को सेट बी में बदलता है, और उसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एफ एक नियम होता है। एफ ए क्या है? नियम है, हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा साइड में। एफ एक नियम होता है। क्या होता है कि जो ए को बी में कन्वर्ट करता है, ए को बी में कन्वर्ट करता है। अब इसको पढ़ने का तरीका है, इसको पढ़ते जो दो को बिंदु होता है उसको पढ़ते हैं मैपिंग। क्या पढ़ते हैं? मैपिंग। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ने आपको याद रखना पड़ेगा कैसे पढ़ते हैं। तो एफ इज ए रूल या एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। एफ एक रूल होता है जो ए को बी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं, चलिए फंक्शन का। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एफ इज ए रूल, एफ इज ए रूल या एफ मतलब फंक्शन, फंक्शन इज ए रूल विच एसोसिएट, एसोसिएट मतलब होता है जोड़ना, एसोसिएट मतलब which associates each and every elements of set A to a unique element of set बी। ध्यान दीजिए एक वर्ड यूज किए यूनिक, ऐसा क्यों? देखिए एक को पांच के साथ ही जोड़ रहा है, ये जो है फंक्शन है एक को पांच के साथ मिला रहा है, एक को सात के साथ नहीं मिला रहा है। हमेशा प्रत्येक का एक यूनिक मिल रहा है, इन्हें कि एक डाले कभी पांच मिल गया, कभी सात मिल गया, एक के लिए नौ मिल जाएगा, कभी एक के लिए दस मिलेगा, सबके लिए अलग अलग मिल रहा है, इसीलिए इसको यूनिक बोलते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन लिखे कि एफ एक नियम होता है, एफ एक नियम होता है जो जोड़ता है इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, एंड 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 रिप्रेजेंटेड बाय बाय F is mapping from A to B and F is mapping from A to B where जहां A को हम लोग क्या बोले, where A is domain set and B is co-domain set। कोडोमेन और रेंज अभी फिलहाल एक ही समझिएगा आप लोग, बेसिक बाद में समझा जाएगा क्या डिफरेंट। अभी फिलहाल कोडोमेन और रेंज दोनों एक ही होता है, यही समझ के चलना है कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होता है। तो आप लोग डेफिनेशन देख लिए
कि एफ एक नियम होता है जो ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के प्रत्येक यूनिक एलिमेंट के साथ जोड़ता है और उसको एफ इज मैपिंग फ्रॉम बी ए टू बी लिखते हैं। बात सबको समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जल्दी, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके सामने में है, ले लीजिए। चलिए, इतना देर तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आपने देखा कि फंक्शन एक नियम होता है। अब यहाँ फंक्शन के जगह 2x plus 3 sin x cos x tan x x square कुछ भी ले सकते हैं। बस हम छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ जाए। तो आपने देखा कि f एक रूल होता है, फंक्शन एक नियम होता है जो a के एलिमेंट को b के साथ जोड़ता है, जहां a को डोमेन बोले और b को कोडोमेन बोले। अब आता है इनवर्स फंक्शन। तो चलिए हम लोग इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन देते हैं। पहले हम डेफिनेशन देते हैं फिर समझाते हैं। चलिए, इनवर्स फंक्शन क्या होता है समझिएगा। फंक्शन बोलता है इफ f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, यदि f एक फंक्शन है जो a को b बनाता है। बात समझिएगा, इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है वो बेसिक समझना है। बोलता है इफ f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, यानी f यदि a को b बनाता है, देन the inverse of f is represented by f inverse। अब यहां एक शब्द लिखे हैं f पर पावर माइनस वन। इसको पावर नहीं समझिएगा, क्यों नहीं तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा थोड़े देर के बाद। बोलता है आप ये समझिएगा कि अगर आपको x पर पावर माइनस वन दिखे तो ये 1/x समझना है, लेकिन साइन पे पावर माइनस दिखे तो इसको 1/sin नहीं समझना, ये गलत बात है। किसी संबंध पे पावर माइनस वन है तो इसको 1/f नहीं समझना, ये गलत बात है। हम लोग इसको इनवर्स बोलते हैं, इसको इनवर्स नहीं बोलते हैं, इसको एक्स पर पावर माइनस वन बोलते हैं। आप बेसिक ये क्लियर कर लीजिएगा कि संबंध पे पावर माइनस रहे तो उसको एफ पर पावर, अगर माइनस वन रहे तो उसको एफ पर पावर माइनस वन नहीं पढ़ते, उसको इनवर्स पढ़ते हैं। तो चलिए, हमको बस यही समझाना था। तो बोलता है कि इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, यदि एफ ए को बी बनाता है, देन देयर इनवर्स ऑफ एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इनवर्स एंड डिफाइंड एज एफ इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम बी टू ए एंड डिफाइंड एज एफ इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम बी टू ए। बात समझिएगा, बोलता यदि कोई फंक्शन ए को बी बनाता है तो
उसका इनवर्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो बी को ए बना देता है। यदि कोई फंक्शन ए को बी बनाता है तो उसका इनवर्स फंक्शन बी को ए बनाता है, यही बेसिक डेफिनेशन है। अब ऐसा क्यों करता है तो आपको हम एग्जांपल से समझा देंगे। तो आपने डेफिनेशन देखा कि एफ इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी देन देयर इनवर्स ऑफ एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इनवर्स एंड इज डिफाइंड बाय एफ इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम बी टू ए। मतलब यदि एफ ए को बी बनाता है तो उसका इनवर्स जो है वो बी को ए बनाता है। अगर आपको क्या बोलते उसको, अगर आपको रियल लाइफ से अगर जोड़ना है, यदि एफ ए मतलब अच्छा को बुरा बनाता है, एफ जो है अच्छा को बुरा बनाता है, तो एफ इनवर्स जो होगा वो बुरा को अच्छा बना देगा। बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा ये बात बोल देता है कि यदि फंक्शन ए को बी बनाता तो ये उसका उल्टा काम करता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं, यदि एफ ए अच्छा को बुरा बनाता है तो एफ इनवर्स बुरा को अच्छा बना देता है। तो कैसे, तो चलिए देखते हैं। अब बात आता है इनवर्स फंक्शन। तो बोलता है किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे निकालें। तो चलिए देखिए, अगला हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालें। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहली बात, अगर जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग एफ एक्स मानते हैं। तो मान लीजिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मानते हैं क्या है, फंक्शन को वाई मानते हैं। आप जानते हैं फंक्शन को ही वाई बोलते हैं और वाई को ही फंक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने दे तो पहले फंक्शन को वाई मान लेना है, बस इतना छोटा काम कर लेना है। फिर से एक बार कि अगर जिस फंक्शन का इनवर्स निकालना बोले उस फंक्शन को क्या मान लेना है, वाई। अब ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, यदि वाई इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ अपने जनरल लाइफ से जोड़ रहे हैं। वाई एक्स का फादर है, एफ मतलब समझिए फादर, एफ मतलब क्या समझिए फादर, वाई एक्स का फादर है तो एक्स भी वाई का कुछ ना कुछ लगेगा। यदि वाई एक्स का क्या है फादर है तो आप कमेंट करके बताइए एक्स वाई का क्या लगेगा, जल्दी जल्दी। यदि वाई एक्स का फादर है तो एक्स वाई का मदर लगेगा। चलिए, बहुत लोग मदर लिख रहे हैं, इसको इंटरेस्टिंग करिए, थोड़ा समझिए बात को। चलिए बहुत अच्छा, आप समझ गए। हाँ, अभी बेटा और बेटी वाला नहीं करना है, सिर्फ एक सिंगल सिंगल समझना है। मान लीजिए फीमेल अभी है नहीं। इफ वाई इज फादर ऑफ एक्स, वाई एक्स का फादर है, एक्स भी वाई का कुछ ना कुछ लगेगा। और हम लोग जनरल लाइफ में क्या बोलते हैं कि ए यदि वाई एक्स का पापा है तो एक्स वाई का बेटा है। तो हम लोग यहाँ बेटा बी नहीं लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स लगेगा। तो हम लोग इफ वाई इज फादर ऑफ एक्स देन एक्स इज एफ इनवर्स। अब बात समझिए, एफ अगर फादर का रिलेशन है, एफ अगर फादर का रिलेशन है तो एफ इनवर्स क्या सा रिलेशन है, सन का रिलेशन है। और क्या आप बोल सकते हैं सन बराबर वन बटे फादर, क्या ये आप बोल सकते हैं।
क्या बेटा बराबर वन बाय पापा ऐसा होता है? आप कब बता सकते हैं? क्या बेटा अगर एफ को फादर बोले तो एफ इनवर्स को क्या बोले? सन बोले। तो आप यहां लॉजिकली बोल सकते हैं क्या बेटा बराबर वन बटे पापा ऐसा होता है? तो जनरल लाइफ में हम लोग ये नहीं लिखते, बस फादर के उल्टे रिलेशन को, इनवर्स रिलेशन को सन बोल दिए, उसको वन बाय फादर नहीं बोलते हैं हम लोग। अगर जो अगर कोई पापा लगता है बेटा, पापा को हम लोग वन बटे बेटा नहीं बोलते हैं, वो गलत बात है, उसको नाम देते हैं बेटा। तो यदि एफ फादर है तो एफ इनवर्स सन है। ध्यान रखिएगा एफ इनवर्स और वन बाय एफ दोनों इक्वल नहीं है, बस हम लोग लिखते हैं। तो आपने ये समझा कि यदि y जो है x का कोई फंक्शन लगेगा तो x भी y का कोई ना कोई फंक्शन जरूर लगेगा। अब वो जो फंक्शन है उसको हम लोग इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो आपको क्या इसमें लिखना है कि किसी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो फंक्शन को पहले y मान लेना है। क्या मान लेना है? y। अब y मानने के बाद क्या करना है कि fx का मान y है तो x का मान f इनवर्स y लिखना है। x का मान क्या लिखना है? f इनवर्स y। अगर इतना काम कर देंगे तो देखिएगा आपका इनवर्स फंक्शन निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, इनवर्स फंक्शन भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अभी आपके सामने में क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन था कि एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। चलिए देखते हैं। अब इसका हमको इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। तो बोले अभी कि इनवर्स निकालने के लिए पहले फंक्शन को वाई मान लेना है। फंक्शन को क्या मानना है? y। तो मान लिए, चलिए देखिए कि किसी फंक्शन का इनवर्स मानना है, फंक्शन को y मान लेना है। अब सवाल पे जाना है। सवाल आपका था fx बराबर 2x प्लस 3। अब फंक्शन को y माने हैं तो यहां से आप लोग देखिए लिखिए x बराबर क्या? f इनवर्स y। फंक्शन को y माने तो यहां से हम लोग x को क्या लिखे? f इनवर्स y। ध्यान दिए लिखने का तरीका है। तो चलिए देखिए, अब फंक्शन को y माने तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब क्या करना है इसमें, बात को गौर से समझिएगा। फंक्शन को y मान लिए तो एफ एक्स बराबर वाई मान लिए तो एक्स बराबर क्या लिखे? एफ इनवर्स वाई। अब फंक्शन को वाई मान लिए तो वाई का एफ एक्स के जगह वाई पुट कर दिए। अब वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री। अब यहां समझिएगा कि यहां आपको वाई एक्स के रूप में दिखेगा, वाई एक्स के रूप में दिखेगा। तो क्या करना है? एक्स को वाई के रूप में लिखना है, मतलब इधर एक्स रखना है, बाकी बात सब उधर कर देना है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, थ्री को इधर ले आते हैं तो वाई माइनस थ्री इक्वल टू टू एक्स। तो यहां से हम लोग एक्स का मान निकालते हैं, पहले वाई का मान था अब एक्स का मान। तो देखिए एक्स का मान वाई माइनस थ्री और बाय टू। अब आप क्या क्या माने उसको लिखते हैं। चलिए एक्स को क्या माने हैं, तो एक्स को आप एफ इनवर्स वाई माने हैं। F इनवर्स y इक्वल टू y माइनस थ्री बाय टू। देखिए y माइनस थ्री बाय टू आ गया। अब आपको एक बात बोलते हैं कि याद होगा कि फंक्शन को हमेशा या फंक्शन में हमेशा इनपुट को x में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? एक्स में लिखते हैं। तो देखिए इनवर्स का जो यहां इनपुट है वो वाई में है,
तो बाद में जब इनपुट वाई में आ जाए तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, मैंने नाम बदलते हैं। मेरा नाम सूरज, आप नाम बदल के कुछ दूसरा नाम रख दिए, मम्मी कुछ बोली या पापा कुछ बोल दिए, तो यहाँ हम लोग वाई में लिखने के बजाय इसको हम लोग एक्स में लिख देते हैं। इसीलिए एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बाय टू। देखिए बस वाई के जगह हम लोग नाम बदल के एक्स में लिख दिए। तो इस प्रकार देखिए आपका इनवर्स फंक्शन निकल गया। अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं क्या सच में यदि फंक्शन ए को बी बनाता है इनवर्स बी को ए बनाएगा या नहीं बनाएगा, समझिएगा। तो देखिए आपका फंक्शन था, उसको लिख रहे हैं, आपका फंक्शन था एफ एक्स क्या है तो 2x प्लस 3 था, इसी को यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इसको a बोले, इसको b बोले, डाले 1 तो मिला 2 और 3 5, डाले 2 तो मिला 2 दुना 4 3 7, डाले 3 तो मिला सॉरी 2 दुना 4 3 सॉरी यहां आपका 5 हो जाएगा, डाले 1 तो 2 3 5, डाले 3 तो 3 दुना 6 3 9, डाले 4 तो 4 दुना 8 3 11, और भी आप डाल के देख सकते हैं। चलिए अब सिमिलरली देखिए f इनवर्स जो आपका निकला, देखिए क्या निकला x माइनस 3 बाय 2, x माइनस 3 बाय 2 उसी को लिख दिए। आप सोचते हैं बाद में b और a लिखते हैं, देखिए जानबूझ करके हम क्या कर रहे हैं, जो निकला उसी को इसमें डाल दे रहे हैं। यहां a को b बनाया, जानबूझ करके हम इसमें b ही डाल दे रहे हैं, क्या कि हमको चेक करना है सच में b को a बना रहा है या नहीं बना रहा। तो डाल दिए 5, क्या डाले 5, देखिए इसका आउटपुट 5 है, जानबूझ करके यही सब डाल रहे हैं, बस चेक करना क्या B को A बना रहा है नहीं बना रहा है। तो देखिए 5 डाले, 5 माइनस 3 2 बाय 2, देखिए 1 बना रहा है या नहीं बना रहा है, देखिए 1 को 5 बनाए तो 5 को 1 बना दिया। डाल दिए 7, तो 7 माइनस 3 तो 7 माइनस 3 4 बाय 2, तो देखिए 2 बनाया। तो देखिए अगर फंक्शन 2 को 7 बनाया इनवर्स फंक्शन 7 को 2 बना दे रहा है। डाल दिए 9, तो देखिए 9 माइनस 3 तो 6 बाय 2, तो देखिए 3 मिल रहा है। डाल दिए 11, तो क्या मिल रहा है 11 में 3 गया 8 बाय 2 तो 4। तो देखिए क्या हो रहा है कि इसमें b डाल रहे हैं तो मिल रहा है आपका a। तो आप लोग डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं यदि फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन जो है ए को बी बना रहा है तो उसका इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो बी को ए बना देता है। बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यदि फंक्शन ए को बी बना दे रहा है तो प्रैक्टिकल करके देखे कि उसका इनवर्स जो है बी को ए बना रहा है, जस्ट उल्टा काम कर दे रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए एफ यदि 2 को 3 बनाता है तो आप क्या बोल सकते हैं इनवर्स, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। यदि फंक्शन 2 को 3 बना रहा है तो इनवर्स क्या करेगा, 3 को 2 बनाएगा। बहुत अच्छे, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बस हमको यही चेक करना था कि आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो चलिए बहुत अच्छा, अब फिर से एक गौर करिएगा कि फंक्शन ए को बी बनाया
तो इनवर्स फंक्शन बी को ए बना दिया, जस्ट उल्टा टर्म। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, मैथ में होता है। अब कुछ कुछ टर्म लिख रहे हैं, देखिए इसमें डाले एक्स, क्या डाले एक्स, तो क्या निकल गया, तो आउटपुट को बोले एफ एक्स, क्या बोले एफ एक्स, डाले एक्स तो निकला एफ एक्स। अगर इसमें डालेंगे एक्स तो निकलेगा एफ इनवर्स एक्स, जैसे डाले एक्स तो निकला एफ एक्स, डाले एक्स तो निकला एफ एक्स, डाले एक्स तो निकला एफ इनवर्स एक्स। अब देखिए जानबूझ करके हम लोग जो निकला था आउटपुट था फंक्शन का, क्या आउटपुट था एफ एक्स, जानबूझ करके एफ एक्स ही डाल दिए, जानबूझ करके क्या डाल दिए एफ एक्स, तो क्या निकलेगा एफ इनवर्स एफ एक्स निकलेगा। देखिए ये बात को समझ गए कि डाले एक्स तो निकला एफ एक्स, जानबूझ करके डाल दिया एफ एक्स, अगर इसमें डालते एक्स तो निकलता एफ इनवर्स एक्स, जानबूझ के डाले एफ एक्स तो निकलेगा एफ इनवर्स एफ एक्स। और एफ इनवर्स एक्स जो देखिए वो किसके बराबर है, ए के बराबर है या नहीं है, कि डाले एक्स तो निकला एफ इनवर्स एफ एक्स। तो देखिए ए को बी बनाया, बी को ए बनाया, और ए देखिए क्या एक्स से है या नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या एक्स, यानी एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स हो गया। आप एक बहुत बड़ा बात यहां सीखे कि f इनवर्स एफ एक्स जो होता है वो क्या होता है x के इक्वल होता है, क्यों, कि डाले x तो निकला एफ एक्स, डाल दिए एफ एक्स तो निकल गया x। तो एक बात बोल रहे हैं समझिएगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि f इनवर्स और f रहता है तो सोच लेते हैं कि ऊपर में इन ये वन बटे एफ है और ये एफ है और एफ एफ कट गया, और अगर यहाँ x है तो आपका x बच गया, यानी f इनवर्स एफ एक्स जो हो गया x हो गया। ये गलत बात है, यहाँ ये कटता नहीं है। आप देखिए हम यहाँ काटे नहीं है कि f और f इनवर्स कट गया तो बच गया x, हम यहां बोले कि f इनवर्स और f कट के x नहीं बचा, एक रिलेशन आया कि अगर x को fx बनाए तो fx को x बनाता है और जो आता है उसका मान वो x के बराबर होता है। तो यहां आप जब सवाल बनाए तो ये नहीं सोचे कि f इनवर्स f का मान और x रेट ff कट जाता है, ये सब गलत बात है, ये पूरा गलत है। ये जो गलत बात है कि ये कट जाता है, कटता नहीं है, तो आप ऐसे समझें। तो आपने एक फॉर्मूला देखा कि f इनवर्स एफ एक्स जो क्या होता है x, आप ये फॉर्मूला को याद रख ले, बहुत आसान है, रटना भी है समझना भी है। तो देखिए अगर इसको जनरल लाइफ से रिलेट करना है, अगर इसको जनरल लाइफ से रिलेट करना है, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है अगर हम अपने लाइफ से रिलेट करते हैं। एफ मतलब समझिए फादर, एफ मतलब फादर, तो एफ इनवर्स मतलब सन, और एक्स एक लड़का है जिसका नाम है, एक्स एक लड़का है जिसका नाम है, कुछ नाम रख देते हैं, एक्स एक बॉय है चलिए जिसका नाम कुछ मान लेते हैं राम रहीम जो भी है। तो देखिए एक्स के फादर, आप यहां पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा पढ़ कैसे रहे हैं, एक्स लड़का है तो एक्स का फादर का सन, एक्स का फादर का सन कौन लगेगा, तो आप क्या बोलिएगा एक्स एक लड़का है, एफ एक्स क्या हो गया उसका फादर, एफ इनवर्स क्या हो गया उसका सन, तो एक्स के फादर का सन कौन होता है, एक्स ही होता है।
आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको काटिएगा नहीं, समझिएगा। काटना नहीं है, समझना है कि अगर फंक्शन है तो ये इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे को कैंसल आउट करता है, काटता नहीं है। रिलेशन बताता है कि एक्स का फादर का जो सन होता है एक्स से होता है, फादर और सन कटता नहीं है, बस एक्स के फादर का सन एक्स होता है। आपको ये समझना है। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं। एक और फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग इनवर्स में करने वाले हैं। दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला सीखे, एफ इनवर्स एफ एक्स जो होता है आपका एक्स होता है। दूसरा फॉर्मूला भी सीख रहे हैं, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स भी आपका एक्स होता है। जैसे सोच सकते हैं, एक्स एक लड़का है तो एक्स के सन का फादर, एक्स के सन का फादर एक्स ही होता है, आप जानते हैं। एक्स के सन का फादर जो होता है एक्स होता है। ये आप दो फॉर्मूला नोट कर लें, क्योंकि हम लोग इनवर्स में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या इस्तेमाल करने वाले हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान होता है, चलिए बोलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके, साइन इनवर्स साइन एक्स का मान क्या होता है, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, बहुत अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन को काट देते हैं। ये गलत बात है, ये काटना नहीं है। अगर काटिएगा तो गलत होगा, अगर बढ़िया एग्जामिनर रहेगा तो आपका तुरंत काट देगा, नंबर नहीं देगा। तो आपको समझना है कि ये एक रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है, और दोनों कंपनसेट करके एक्स बचता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, हम लोग इनवर्स में यही पढ़ने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छा, अभी हमको इनवर्स पे जाना नहीं, हम समझ रहे हैं हम लोग। तो आपने दो फॉर्मूला सीखा कि एफ इनवर्स एफ एक्स का जो वैल्यू होता है एक्स होता है, और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू भी एक्स होता है। यदि फंक्शन, चलिए, तो सारे बात को हम क्या करते हैं, एक अच्छे से नोट करके लिख देते हैं, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सके। चलिए, तो पहला कि इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, ये सीखे। दूसरा सीखे, एफ ऑफ एफ इनवर्स का जो मान होता है वो एक्स के बराबर होता है। और तीसरा सीखे, एफ इनवर्स एफ एक्स का जो मान होता है भी एक्स होता है। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने बेसिकली यही सब बात समझा कि एफ अगर ए को बी बनाता है तो एफ इनवर्स बी को ए बनाता है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर, एफ इनवर्स एफ एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर। बाद में हम लोग बोल देंगे, देखिए एफ इनवर्स एफ हट जाएगा, एक्स बचेगा, बस उतना से काम बाद में चला लेंगे। अभी हम आपको बेसिक समझा दिए क्या होता है। अब चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि इनवर्स फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालें। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा हटके, हर साल किसी ना किसी बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो चलिए इनवर्स निकालते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है,
आप लोग कॉपी लेके रेडी रहिए, हम फंक्शन का वैल्यू लिख रहे हैं, आप मैच करा लीजिएगा इनवर्स निकाल करके। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x-7। चलिए जल्दी जल्दी निकालिए इसका इनवर्स। आपके लिए बस एक मिनट का टाइम है। आपके सामने में क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 5x-7, इसका इनवर्स निकालना है। हाँ ध्यान दीजिएगा, आंसर वाई में नहीं लिखना है, एक्स में लिखना है आपको, क्योंकि इनपुट एक्स में होता है। चलिए देखिए, आप चलिए सुनिए बात को। किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग फंक्शन को वाई मानते हैं। देखिए वाई मान लिए आप लोग, आप मिला लीजिएगा। अब क्या करते हैं, रिलेशन को रिवर्स करते हैं, इनवर्स करते हैं। अगर एफ एक्स वाई है तो हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। लिखने के बाद सवाल के पास जाते हैं। सवाल आपका था एफ एक्स इक्वल टू 5x-7। अब क्या करना है, एफ एक्स का मान लिखना है, जो माने वाई इक्वल टू 5x-7। अब आपको क्या दिख रहा होगा कि एक्स वाई का मान एक्स में दिख रहा होगा, तो एक्स के मान को वाई के टर्म में लिखना है। वाई एक्स के टर्म में एक्सप्रेस्ड है तो एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस्ड करना है। तो देखिए x का वैल्यू निकालना है तो 7 इधर भेज दीजिए, y प्लस 7 इक्वल टू 5x। तो x का जो वैल्यू निकलेगा y प्लस 7 बाय 5। अब आप x को क्या माने हैं, तो f को लिख माने f इनवर्स y, या x को आप लिखे f इनवर्स y। तो x को लिख दिए, x को क्या लिख दिए, f इनवर्स y। तो चलिए यहां लिख दिए एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 7/5। अब आंसर आपका वाई के टर्म में नहीं रहेगा, एक्स के टर्म में लिख देना है। एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7/5। चलिए ये आपका हर साल एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, नहीं तो बस रट्टा मारिएगा आप लोग। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू 2x+3/x-7। क्लास का टाइम हो सकता है 5-7 मिनट आगे बढ़ जाए, इसलिए आप लोग लाइव ही रहिएगा। Thank you.
टाइम आगे बढ़ रहा है, आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। ध्यान रखिएगा, जो इनवर्स फंक्शन का वैल्यू है वो सिर्फ y के टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में नहीं, और बाद में रिप्लेस करने के बाद सिर्फ ओनली x के टर्म में होना चाहिए, दोनों टर्म में नहीं होना चाहिए। बार बार देखे होंगे इनवर्स फंक्शन का वैल्यू हम लिखे हैं, y के टर्म में नहीं फंसाए हैं, सिर्फ x के टर्म में। चलिए बनाते हैं, आप देखिए, आप इधर गौर करके देखिए, आप बनाना नहीं है, सॉल्यूशन करने के लिए फंक्शन को y मानते हैं, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लिए। अब क्या करते हैं, यहां से x का वैल्यू सोचते हैं, तो अगर एफ एक्स वाई है तो x आपका f इनवर्स y है। अब क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 बाय x माइनस 7, एफ एक्स को y मान लिए, y इक्वल टू 2x प्लस 3 बाय x माइनस 7। बहुत लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू बस एक x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या करते हैं देखिएगा, y इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 2x प्लस 3, और x का मान आपको बोले सिर्फ एक तो एक्स रहना चाहिए, बाकी सब उधर होना चाहिए। तो आप लोग क्या के इधर वाई वाला भी टर्म रख दिए और एक्स वाला भी टर्म रख दिए। हम आपको समझाए कि यहाँ वाई एक्स के टर्म में होना चाहिए, वाई एक्स के टर्म में होना चाहिए ओनली, ना कि दोनों के टर्म में। अब तब निकाले कैसे, तो वाई यहां देखिए एक्स के टर्म में ओनली है, तो अभी आपको x को y के टर्म में ओनली रखना है, x को सिर्फ y में रखना है, x में नहीं रखना है, दोनों में नहीं रखना है, सिर्फ y में। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, इसको लिख दिए एक्स वाई माइनस सेवन वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अब हमको x वाला इधर करना है, बाकी सब राइट साइड भेज देना है, एक्स वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू सेवन वाई प्लस थ्री। अब x कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस टू इक्वल टू सेवन वाई प्लस थ्री। अब यहां से देखिए x का वैल्यू निकला सेवन वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाय y माइनस टू। आप लोग देखिए यहां गौर करके कि सवाल में जो था आपका y सिर्फ x के टर्म में था, और हम बोले इनवर्स अगर निकालना हो, इनवर्स अगर निकालना हो तो x को सिर्फ y के टर्म में निकालना पड़ेगा। और हम बोले कि y एफ एक्स को y माने, y सिर्फ x के टर्म में दिखेगा, तो आपको x को सिर्फ y के टर्म में दिखना चाहिए। तो कैसे दिखाए, लिखे या दिखाए, तो उसके लिए आपको यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम x का वैल्यू एक साइड रखे, बाकी वक्त सबको उधर भेज दिए। अब उधर भेजने के बाद x कॉमन लिए, यहां y माइनस टू बचा, अब x का वैल्यू लिख दिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं, x को आप जानते हैं क्या मानते हैं, x को आप f इनवर्स y मानते हैं, तो 7y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अब रिप्लेस कर दे रहे हैं, f इनवर्स x इक्वल टू 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हाँ देखिए फिर से आपको एक ही बात बोलते हैं, फंक्शन को y मान लेना है, उसके बाद x को f इनवर्स y मानना है, मानने के बाद y आपका x के टर्म में दिखेगा, y सिर्फ x के टर्म में दिखेगा, तो x को भी सिर्फ y के टर्म में लिखना है।
बाकी बात लिखने का आपका खुद का तरीका होना चाहिए, खुद का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो x को सिर्फ y में लिख दिए, अब x को f इनवर्स y लिख दिए, अब तो उसके बाद प्रोसेस कर दिए। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बाय टू माइनस एक्स। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, दीपक जी हम बार बार बोले इनवर्स फंक्शन का वैल्यू निकालना है, उसका आंसर सिर्फ एक्स में होना चाहिए, आप आंसर वाई में ना लिखें, आंसर एक्स में ही लिखें, बाद में वाई आएगा तो आपको वाई का नाम बदल करके एक्स में लिखना है। चलिए देखिए, अब बाद में लिखिएगा, चलिए टाइम हो रहा है, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात क्या मांगते हैं, फंक्शन को y, तो लेट एफ एक्स बराबर वाई मानने के बाद आप क्या करें, x का मान लिखें, x का वैल्यू f इनवर्स y। अब क्वेश्चन के पास जाएं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बाय टू माइनस एक्स। अब फंक्शन को आप y मान चुके हैं, फंक्शन का वैल्यू y लिखिए, x माइनस थ्री बाय टू माइनस एक्स। अब आपको इसमें दिखेगा y का मान x के टर्म में, y का वैल्यू x के टर्म में, तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू y के टर्म में ओनली लिखना है। तो लिखने के लिए आपको कैलकुलेशन खुद से करना है, क्योंकि डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब जिसमें जिसमें अब थोड़ा मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाला टर्म लेफ्ट साइड, बाकी बात सबको राइट साइड। तो ये देखिए, टू वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब क्या करें, हमको सिर्फ एक्स चाहिए, तो देखिए इसको ले आते, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2y माइनस थ्री, इससे माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो y माइनस वन, इससे भी माइनस कॉमन लेते हैं 2y माइनस थ्री। देखिए माइनस माइनस कट गया, अब क्या करना है, x का वैल्यू लिखना है, तो x का वैल्यू 2y माइनस थ्री बाय y माइनस वन। तो पहले आपको y का वैल्यू दिखेगा, अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए x का वैल्यू निकाल लिए, निकालने के बाद x का वैल्यू ध्यान रखिएगा सिर्फ y में होना चाहिए। अब x को लिखे f इनवर्स y, f इनवर्स y, तो 2y माइनस 3 बाय वाई माइनस वन, लेकिन आंसर आपका वाई के टर्म में नहीं रहेगा, वो एक्स के टर्म में रहेगा, इसीलिए हम लोग लिखे हैं एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू
2x माइनस 3 बाय एक्स माइनस 1, मतलब y के जगह नाम बदल करके x लिख दे। तो इस प्रकार आप देखें कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। सब लोग आप लोग अब समझ, चलिए ये समझ में आया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एक बार। सॉरी, यहाँ कुछ कैलकुलेशन एरर लग रहा है, माइनस कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, 2y+3, 2y+3, 2x+3। तो सबको समझ में आ गया? हाँ, एक मिनट सुनिएगा, ध्यान देके बात को देखिए। अभी इनवर्स चालू नहीं हुआ, इनवर्स समझने के लिए ये सब टर्म आपको बहुत समझना पड़ेगा। आज तो ज्यादा होमवर्क नहीं रहा आपके लिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको बना लें, और मेरे पर्सनल नंबर पर आप उसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा सही है या गलत है। ग्रुप में नहीं शेयर करिएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा फोटो खींच करके आपके सॉल्यूशन का, बस मैं चेक करके बता दूंगा वो सही है या गलत है। नेक्स्ट क्लास भी आप इसी टाइम में टाइमली रह जाइएगा, जिससे हम आपको फिर आगे का टर्म पढ़ाए। अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी इनवर्स से रिलेटेड कुछ टर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। इसमें क्या पढ़ेंगे कि आप लोग बार बार देखेंगे कहीं बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये सब होता क्या है, इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। इंटरवल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए क्वेश्चन लिखिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। आपको सबका इनवर्स निकालना है, सबका इनवर्स निकालना है। वन नंबर fx = 2x - 7। दूसरा क्वेश्चन fx = 3 - 7x। तीसरा fx = x + 2 by x - 2। चौथा क्वेश्चन fx = 2x - 3 by 4 - 3x। और पांचवा आपका fx = sin x। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, आप इसका सॉल्यूशन मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग ले लिए। आज के लिए इतना ही, सबको धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास टाइम पर रहिएगा। यार बार बार नंबर लिख दे रहा हूं, बार बार कमेंट में लिखते हैं नंबर चाहिए। 8757207094। चलिए सबको धन्यवाद, और घर में पढ़ते रहे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिल गया हो तो आप इनवर्स अब बना सकते हैं कहीं से भी। चलिए सबको धन्यवाद और बाय, और जो भी बोल रहे हैं।